साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 थाना क्षेत्र के बसई एनक्लेव में 10 साल के मासूम बच्चे के अपहरण और फिर दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। वहीं क्राइम ब्रांच ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। दरअसल ये वारदात बीते शाम की है, जब 10 साल का मासूम घर के बाहर पार्क में खेल रहा था। तभी प्रिंस नाम का ये युवक पार्क से बाइक में बिठाकर मासूम को आईएमटी मानेसर के सुनसान इलाके में ले गया और फिर दुष्कर्म को अंजाम दिया। पकड़े जाने के डर से मासूम का गला घोंटकर उसकी हत्या भी कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने परिजनों को गुमराह करने के लिए 2 लाख की फिरौती भी मांगी। हालांकि वारदात के कुछ घंटों के अंदर ही आरोपी को बसई एनक्लेव इलाके से गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल चाकू और बच्चे के शव को मानेसर इलाके से बरामद कर लिया गया। कल शाम को एक बच्चा पार्क में खेलने गया था, बसई एनक्लेव पार्क 2 का, और उसके बाद घर नहीं लौटा। तो बाद में घर वालों को 2 लाख रुपए की फिरौती की कॉल मिली, जिसके संबंध में उन्होंने शिकायत दी सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में, और उस पर काम करते हुए 10 सेक्टर पुलिस स्टेशन ने उसमें FIR दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। और जिस आरोपी ने वो कॉल की थी उसको जब काबू करके और उससे पूछताछ की गई, तो उसके बाद ये पता चला कि उसने उस बच्चे के साथ दुष्कर्म करके और उस बच्चे का गला काट के उसकी हत्या कर दी और उसको वहाँ मानेसर के नज़दीक एक सुनसान जगह में फेंक दिया और ऊपर से कबाड़े से ढक के और उसको छिपाने की नीयत से और उसकी फैमिली को और पुलिस को गुमराह करने की नीयत से इसने ये कॉल करके पैसे की मांग की थी। हमने इसकी निशानदेही से उस बच्चे की, 10 साल के बच्चा जो था मृतक, उसकी डेड बॉडी बरामद की है, उसकी कार्रवाई करके और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। इसको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है और 1 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। इसके पूछताछ के दौरान इसने जो चाकू जिससे उसकी हत्या की गई थी वो भी पुलिस को बरामद कराया है, हमने उसको बरामद करके और कब्जे में लिया है। आगे इसे और गहनता से पूछताछ की जाएगी और इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हत्यारोपी के मोबाइल नंबर और CCTV के आधार पर क्राइम ब्रांच ने इस वारदात का खुलासा कुछ ही घंटों में कर दिया। बच्चे के माता पिता बसई एनक्लेव इलाके की कंस्ट्रक्शन साइट पर ही मजदूरी करते थे और यहीं पर यह हत्यारोपी प्रिंस कई बार आता जाता रहता था और मृतक के माँ बाप और बच्चे को अच्छी तरह से जानने लग गया था। बहरहाल पुलिस अब हत्यारोपी की क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। पंजाब के CCTV के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।